60 पे चला रहे ना, तो ये 60 से ऊपर चला रही एक हाथ छोड़ के। क्या भाई क्या, ऐसे ना बैठ के भी चला लेते हैं भाई हम भाई साहब। एक हाथ से स्कूटी चला रही है अप्रोक्स 60 की स्पीड में। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक पहली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई, दो दिन हो गए फ्लैट घर से फ्लैट से आए हुए, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, आरएस की याद भी आ रही है। तो आज अपन जाने वाले हैं वापस अपने फ्लैट पे, कोई स्कूटी से जाने वाले हैं जिस स्कूटी से आए थे, तो आज की लास्ट है, आज स्कूटी पर रहने वाली है, इसके बाद में तुमको आरएस मिल जाएगी अपनी। तो सीधे अपन निकलने वाले हैं स्कूटी से, कुछ सामान भी लेकर चलने वाले हैं, तो सामान भी लेकर चलेंगे और स्कूटी से अपन निकलते हैं जल्दी से। तो भाई जब भी अपन निकल चुके हैं अपने घर से और आ चुके हैं स्कूटी से, क्योंकि हम आए भी इससे थे और जा भी इसी से रहे हैं। तो भाई दो दिन रुके हम यहाँ पे घर पे, और दो दिन में भाई घर की याद आने लगा, फ्लैट की याद आने लगी। फ्लैट की तो क्या याद आ रही है भाई, आरएस की याद आ रही है। तुमको मैंने पिछले ब्लॉग्स में बोला था कि भाई उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, उसके बिना मैं मतलब कि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, कभी भी इतने दिन निकाले ही नहीं भाई। तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है आरएस की। तो मौसम वगैरह चेक कर सकते हो, व्यू वगैरह चेक कर सकते हो भाई, जिस मौसम से अपन घर से आए थे ना वही मौसम अभी हो रहा है, और वही मौसम अपन फ्लैट तक पहुँचेंगे वही होने वाला है। तो ये जो स्कूटी है आज अपन लास्ट टाइम राइड कर रहे हैं, और फिर ये इसके बाद है ना भाई आज जो है दौसा चले जाएगी, क्योंकि ये जो है हम यहाँ हमने ना दोनों बाइक्स और स्कूटी को ना दोनों रख रखा था, तो हमारे दोनों काम भी नहीं आती ज़्यादा, इस वजह से दोनों में पेट्रोल भी हमको फ्यूल भी डलवाना पड़ता था, इस वजह से ना आज इसको हम बाय बाय करने वाले हैं भाई। तो आज ये जाने वाली है अपने घर को वापस, रहने वाली बस आरएस, वैसे हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, जब आसपास जो सामान लाना होता है वो डीमार्ट वगैरह से ले आते हैं, और ब्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं वो हमारी आरएस बना लेते हैं। तो वैसे स्कूटी की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये जरूरत इसकी जब पड़ती है जब हमको ना कुछ सामान रख के लेके आना होता है इसके अंदर, बाकी अन्ना कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है स्कूटी की, डेली यूज इसके लिए चाहिए ना, तो स्कूटी बेस्ट है। हम इसको राइड करते हैं, आराम से राइड करते हैं, मतलब कि भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि है ना ये बिल्कुल फ्री राइड कर लेते हैं हम, नहीं तो है ना भाई की बहुत दिक्कत होती है। इसको तो ऐसे ना बैठ के भी चला लेते हैं भाई हम, ऐसे आराम से चला लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्या दिक्कत होती है कि उसमें तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखने पड़ते हैं पैर, और उसमें ना बम दुखने पड़ जाते हैं, इसके अंदर सीट जो है ना बहुत कंफर्टेबल है। बाकी जब हम निकले थे जब भी इसके अंदर पेट्रोल इतना ही था, और अभी हम जा रहे हैं घर पे तो भी पेट्रोल इसके अंदर इतना ही है। बार बार जाने वाले हैं भाई सिटी के अंदर हम घुसते नहीं, क्योंकि वहाँ से तुमको मैंने पिछली बार वीडियो में जब मैं जयपुर आया था तो हमें शॉर्टेज रूट बताया था भाई जगतपुर हमारे जाने के लिए अक्षयपात्र पर, तो सबसे बेस्ट रूट है वहाँ से हम चलते हैं, वो रिंग रोड पर चढ़ते हैं, रिंग रोड से उतरते हैं, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, फिर थोड़ा सा सिटी से आती है ऐसे कच्चा हुआ था, फिर उसके बाद हमें ना मतलब कि हमारे डेस्टिनेशन पर ना आराम से पहुँच जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ना कोई पुलिस वाला आता है ना कोई रोकने वाला आता है। बाकी भाई बहुत दिनों बाद अपने फ्लैट पे वापस जा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी भाई, हर चीज़ की याद आ रही थी तुमको सर बताऊँ, क्योंकि हम अभी नए नए आए थे, हम 7 दिन रुके थे फ्लैट पर, 7 दिन के बाद वापस एक बार दौसा आ गए थे, क्योंकि फैमिली से मिलना भी ज़रूरी है भाई, कि वहाँ से अब ऐसे आदत भी नहीं है ना इतनी अकेले रहने की, कभी रहे भी नहीं अकेले तो आदत नहीं है, तो इस वजह से है ना वहाँ पे हम सोचा कि चलो है ना अब घर पे चलते हैं, तो इसलिए अब चलना ही पड़ रहा है फ्लैट पे, क्योंकि बहुत दिन रुक लिए थे भाई, 2 दिन रुक लिए थे, 2 दिन बहुत होता है भाई, क्योंकि फिर मेरी बाइक वगैरह भी यहाँ पे खड़ी है, मोटर लॉक हो नहीं पाता मेरा, इस वजह से हम वहाँ से अब फ्लैट के लिए निकल रहे हैं। और ये अब ऑलमोस्ट अब पहुँचने वाले हैं जयपुर, और अपना रिंग रोड भी आने वाला है, रिंग रोड से टर्न लेके तुमको पता है वही पूरा रास्ता है, रिंग रोड से जाने में ये फ़ायदा है कि वहाँ पर ना आराम से हम जा सकते हैं, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता, ये तो हम सिटी के अंदर एंटर करते ना जैसे ही तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। रिंग रोड जो है भाई हमारे घर से ना बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर हमको डायरेक्ट जाना होता है ना मतलब कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके लिए हमको ना एंटर ही नहीं करना पड़ता जयपुर में, हम वहाँ की वहीं से निकल लेते हैं। और यहाँ पर भी ना अगर घर पहुँचने के बाद ना इसमें पेट्रोल डलवाएंगे भाई पहुँचने से पहले, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लेके आए थे ना वहाँ से हम 200-300 का पेट्रोल डला के लेके आए जब हम घर से आए थे फ्लैट के लिए, तो जब तो हमारे पास था मतलब कि और क्या ही है, स्कूटी जो है ना उसके चलाने के ऊपर है, अगर आप 40-50 चलाते ना स्कूटी को तो आराम से अच्छा माइलेज निकाल देती है, उसके बाद अपन 60 से ऊपर एक्सीड कर देना इसकी स्पीड को तो फिर इसका माइलेज वगैरह बिल्कुल बिगड़ जाता है भाई, मतलब ये 20-30 पे आ जाती है इसकी मतलब कि जो माइलेज वगैरह होता है, ऐसे अगर अपन इसको 40 का अप्रोक्स चलाए ना इसको आराम से, तो ये ना 150 में ना आराम से एक साइड चली जाए, मतलब दौसा चली जाए, जयपुर से दौसा आ जाए, 150 में आ रहा है आराम से आ जाए ये, तो अब जैसे चलाते ना ये वैसी माइलेज देती है इस पर। बाइक वगैरह में तो ये होता है आप गियर के ऊपर कितना एक्सीलरेट कर रहे हो उसको, इसके अंदर कोई गियर वगैरह नहीं होता तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो इस बाइक स्कूटी को। तो भाई यहाँ पे हमको मिल चुकी है भाई क्रेजी स्कूटी राइडर भाई साहब, एक हाथ से स्कूटी चला रही है अप्रोक्स 60 की स्पीड में, एंटी जी देख लो एक हाथ कवर पे रखा गया और चल रही है स्कूटी भाई, तगड़ी राइडर है भाई जयपुर में तो, देख लो तुम्हारा एक हाथ नहीं टच कर रही है बंदी अपना, तुम देख लो एक हाथ इसका बिल्कुल भी टच नहीं है, एक हाथ हटा हुआ है इसकी टेयरिंग से, हम यहाँ पे खुद 60 पे चला रहे ना तो ये 60 से ऊपर चला रही एक हाथ छोड़ के, अजीब लोग है भाई भाई साहब, क्या भाई क्या लोग है यार, देख लो तुम एक हाथ हट नहीं रहा बंदी का, एक हाथ चला रही है अब रखा है एक हाथ दूसरा इसने बंदी ने, जॉब से है ना एक हाथ से स्कूटी चल रही थी भाई साहब, तगड़े अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, ये लोग कहाँ से आते हैं भाई,
पता ही नहीं है। अब जो अपन अप्रॉक्स फ्लैट पे पहुंचने वाले हैं भाई, अब बचा है 1 या 2 किलोमीटर बचा होगा ज़्यादा ज़्यादा। फ्लैट पहुंचेंगे, स्कूटी को लगाएंगे और स्कूटी आना फिर चले जाएगी वहाँ से, क्योंकि चाहिए अब, क्योंकि हमारे भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही अब, क्योंकि जो सामान मेन मेन लेके आता ना वो हम ले आए थे। तो स्कूटी अब जाने वाली है भाई, अब स्कूटी मिलेगी नहीं तुमको ब्लॉक्स के अंदर। स्कूटी जब मिलेगी जब हम दौसा वगैरह जाएंगे, अभी तो हम जयपुर हैं, तो जब दौसा वगैरह जाएंगे ना 6-7 दिन में वापस जाते रहेंगे ऐसे, क्योंकि फिर क्या घर की भी याद आती है, तो इसलिए हम चले जाते हैं बार बार। तो अब मैं मिलने वाला हूँ तुमको डायरेक्ट फ्लैट पे, तो सीधा अब चलते हैं अपन। तो फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके अपने फ्लैट पे, और तुमको दिख रहा होगा पीछे तो आरएस खड़ी अपने नीचे की साइड पर खड़ी है, तुमको शायद इधर से दिखेगी नहीं, इधर तो नहीं खड़ी इस बार, क्योंकि मैंने ना थोड़ी धूप वगैरह आती है तो उसको साइड में लगा रखी है। तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं भाई। स्कूटी पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है भाई पहुंचने के लिए, बट आरएस से ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटी होती है क्योंकि उसकी सीट वगैरह थोड़ी बड़ी होती है। तो फाइनली अपन फ्लैट पे पहुंच चुके हैं। होप करता हूं आपको जो ब्लॉग वगैरह होगा अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं ऐसी तकलीफ, बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाद भी रहो, बाय बाय।